हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग वाइल मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ शाही पनीर। देखिए, ये दिखने में तो बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस है, लेकिन खाने में ये कई ज़्यादा टेस्टी बना था। तो चलिए, आप भी इस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर को घर पर ही ट्राई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े प्याज लिए हैं और उन्हें छीलकर ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक पैन में पानी को बॉयल होने दिया है और उस बॉयल होते हुए पानी में इन प्याज को ऐड किया है, कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड की है, थोड़े से पीनट ऐड किए हैं और अब इन्हें ढककर 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो देखिए, अब ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। इन्हें ठंडा होने के बाद इनका जो ये पानी था, एक्स्ट्रा वाटर, वो मैंने हटा दिया है और एक जार में लेकर इसे बिल्कुल बारीक होने तक पीस लिया है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल को गर्म होते ही मैंने उसमें 1 चम्मच जीरा तड़काया है और हरी वाली जो इलायची होती है उसे मैंने खोलकर और इसमें ऐड किया है। इलायची जो होती है वो पनीर की किसी भी रेसिपी में बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर देती है। इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 तेजपान पत्ते ऐड किए हैं और सारी ग्रेवी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसी ग्रेवी को एक स्टाइल से आप और बना सकते हैं। जैसा कि मैंने प्याज, पीनट और लहसुन को बॉईल किया था, आप 1 चम्मच ऑयल के साथ उसे सॉटे कर भी पीस सकते हैं। तो चलिए, इसे अब मैं हल्का सा ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ताकि उससे कलर हमारी ग्रेवी का अच्छा आ जाए। उसके बाद मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। चलिए, सारे मसाले ऐड करने के बाद 3 से 4 टमाटर की बनी हुई प्यूरी इसमें मैंने ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट हम इसे कुक होने देते हैं। जब तक हमारी टमाटर की प्यूरी कुक होगी, तब तक हम चलिए पनीर लेते हैं और उसे चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है और अब इसे मैं स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग इसे ट्रायंगल शेप में या लंबे शेप में या फिर स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं। ये पनीर बहुत ही फ्रेश था, तो चलिए मैंने इसके स्क्वायर शेप कर लिए। तब तक हमारी ग्रेवी देखिए आप बिल्कुल कुक हो चुकी है और ऑयल भी रिलीज होने लगा है। आप देख रहे हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इस ग्रेवी का। अब मैंने इसमें थोड़ा सा 1/2 कटोरी के करीब केचप ऐड किया है, ताकि इससे थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस आ जाएगा। चलिए, अब इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1/2 कटोरी के करीब क्रीम ऐड की है। ये मैंने घर पर बनी हुई क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो अमूल की क्रीम भी बाजार से लाकर इसे ऐड कर सकते हैं। घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम की तो बात ही कुछ और होती है। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ चुका है इसमें। तो चलिए, अब जो हमारे कटे हुए पनीर थे वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सारा पनीर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पनीर के साथ और कुक होने देते हैं, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो सारा पनीर में आ जाए। तो लीजिए भैया, ये तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ शाही पनीर। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।